आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, चूँकि मुद्दे बहुत ज़्यादा, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि 12 तारीख को स्पोर्ट्स काउंसिल ने चुनाव रखा है कश्मीर में फुटबॉल एसोसिएशन का, जबकि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो ग्रीवेंस है वो ये है कि कई डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसकी वोटर लिस्ट जो है वो पूरी नहीं तैयार हुई, उसके ऊपर ग्रीवेंसीज हैं। और जो रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस मुजफ्फर जान साहब जो हैं, रिटायर्ड जस्टिस, वो रिटर्निंग अफसर हैं, उनकी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो ग्रीवेंसीज थे वो हमने उनको भेजे, अभी तक उनका रिड्रेसल नहीं हुआ, वो पेंडिंग है। और आप बताइए बिना वोटर लिस्ट के चुनाव कैसे होता है, कोई क्या कोई चुनाव हो सकता है बिना वोटर लिस्ट के? हमारा मुतालबा ये है कि वोटर लिस्ट जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं होती, जब तक सिस्टम पूरा नहीं आ जाता सिस्टम में, तब तक ये चुनाव ना हो। अगर ये चुनाव कराया स्पोर्ट्स काउंसिल ने तो पूरे का पूरा जम्मू प्रोविंस, आप देखिए हमारी 9 या 10 डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हैं और हमारे 52 रजिस्टर्ड क्लब्स हैं फुटबॉल के, हम सारे के सारे हैं इस फैसले के खिलाफ, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन टू गो ऑन विद द इलेक्शन। हम इस इलेक्शन का बायकॉट करते हैं और हम एलजी साहब से पर्सनली, हमारी ये पूरी जम्मू की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि जो इनजस्टिस जम्मू के साथ हो रहा है फुटबॉल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिलेक्शन में, फंड्स में, उसको रोका जाए और ये इलेक्शन फिलहाल रोकी जाए, सिलेक्शन को डेफर किया जाए जब तक सिस्टम नहीं होता, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे हम लोग कि हमें इलेक्शन जो है वो बायकॉट करना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो देखिए, जो प्रेजिडेंट पिछली बॉडी थी जिसमें मैं भी ट्रेजर था, हमने टाइम टू टाइम उनको बोला कि भाई जम्मू के साथ आप ये रीजनल बायस मत करिए, जम्मू को फंड्स आप कम देते हैं, हमें 3 साल से 1 रुपया नहीं उन्होंने दिया, 1 करोड़ रुपया मुफ्ती मोहम्मद सईद टूर्नामेंट का उन्होंने क्लेम किया है, उसके ऊपर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्वायरी उनके खिलाफ बैठी है, उस इंक्वायरी को आप एक्सपेडाइट कीजिए, तेज़ कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि वो बिल जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने 25,000 के बिल भेजे, वो बिल 2.5-2.5 लाख के कैसे बन गए? हमारे लोगों के फेक साइन किए गए, हमारी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की स्टैंप झूठी लगाई गई और वो पैसा 1 करोड़ रुपये वहाँ क्लेम किया जिसमें आधे पैसे वो ले चुके हैं। इसकी इंक्वायरी तेज़ की जाए और ये इलेक्शन सबसे पहले, ये इलेक्शन कुछ नहीं सिर्फ एक ड्रामा है, एक धांधली है और जम्मू इस धांधली को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम लोगों ने ठान लिया है, चाहे जम्मू को अलग से स्पोर्ट्स एसोसिएशन फुटबॉल की बनानी पड़े, हम इनके साथ अब खड़े नहीं होंगे। अगर ये बचाना चाहते हैं तो इस इलेक्शन को डेफर करें और वोटर लिस्ट प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करें, जो ग्रीवेंसेस पेंडिंग है जस्टिस जान साहब के पास उनका पहले निपटारा करें, उसके बाद इलेक्शन करें। अगर ये इलेक्शन हो जाती है तो देखिए 12 तारीख को इलेक्शन के डेट है, 7 तारीख को नॉमिनेशन फाइल हो गई हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, 2-4 पपेट उनके जो यहाँ हैं वो गए होंगे कश्मीर, जिनके साथ कोई नहीं, क्लब सारे यहाँ के यहाँ, ये पूरे क्लब्स के साइन करवा के हमने यहाँ रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्शन होगा वो भी हम बता देंगे कि किसके साथ कौन खड़ा है। वो उन्होंने यहाँ से डमी लोग, वही उनके जो यस मैन हैं, जिनके ना अपने क्लब हैं, जो ना खुद किसी क्लब के मालिक हैं, ना किसी क्लब के वो ओनर हैं, ना कोई उनका क्लब है, वो सिर्फ या तो छोटा मोटा कोई फेक क्लब उनके पास है या वो डायरेक्ट मेंबर किसी टाइम में रहे हैं, ये लोग, ये देखिए ये सारे के सारे क्लब हमारे साथ खड़े। अब इस सूरत हाल में हमारी यही एक हाथ जोड़ के विनती है एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पोर्ट्स काउंसिल से, एलजी साहब से, जो कमिश्नर हैं हमारे स्पोर्ट्स के आलोक कुमार जी, उनसे हमारी है कि ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये वोटर लिस्ट से फेक है, इनमें से 11 क्लब जम्मू के गायब हैं, 7-8 क्लब जम्मू में फेक इन्होंने डाले हैं, ये फेक इलेक्शन कराते हैं बोगस वोटर लिस्ट के ऊपर, इसको रोका जाए, ये धांधली रोकी जाए, बच्चों का भविष्य जो है उसको बचाया जाए, यही हमारी अभी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। नहीं, अगर ये आज शाम तक कल तक फैसला नहीं लेते तो जम्मू प्रोविंस पूरा का पूरा इस इलेक्शन का बायकॉट करेगा।